Hey guys, welcome back to Till Fact. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वाइकिंग्स के लोगों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी फैक्ट्स। जैसे कि वाइकिंग्स के लोग खुद को वाइकिंग्स नहीं बुलाते थे, वो तो हम कहते हैं, पर वे खुद को क्या बुलाते थे? और वाइकिंग्स आग जलाने के लिए कुछ अलग ही चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि यूरिन। बिल्कुल, पर कैसे? वाइकिंग्स के वुमेन्स के पास कुछ ज्यादा ही अच्छे बेसिक राइट्स थे जो उस समय की औरतों के पास नहीं हुआ करते थे। और बहुत सी अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे आज के इस वीडियो में। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नंबर वन, वाइकिंग्स हॉर्न हेलमेट्स नहीं पहनते थे। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि वो हॉर्न हेलमेट्स पहनते थे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वॉर में कभी भी वाइकिंग्स हॉर्न हेलमेट्स नहीं पहनते थे, वो सिर्फ कभी कभी सेरेमनीज के पर्पस के लिए पहनते थे। नंबर टू, वाइकिंग्स को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी। साफ सफाई मतलब जगह की साफ सफाई नहीं, खुद की साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी। वे खुद को बहुत ज्यादा ग्रूम्ड रखते थे, ट्रिम्ड बियर्ड्स, क्लीन ईयर्स। वाइकिंग्स एटलीस्ट वीक में एक बार तो नहा ही लेते थे। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी साफ सफाई है, पर उस समय की यूरोपियंस के हिसाब से काफी ज्यादा बार नहाते थे। नंबर थ्री, वाइकिंग्स के पास आग जलाने के कुछ अलग ही तरह के तिक्रम होते थे। वो आग जलाने के लिए सबसे पहले करते क्या थे, वुड में एक सब्सटेंस पाया जाता है टचवुड नाम से, उसे लेकर यूरिन में 3 दिन तक बॉइल करते थे, जब तक कि वो आग को महसूस नहीं करने लग जाए। एक्चुअली यूरिन में सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है जो कि किसी भी चीज को जलने के बजाय सुलगने देगा, मतलब एक तरह का एसिड की तरह काम करता है। और इसे वो इसलिए बनाते थे ताकि वो वॉर में इसे अपने साथ लेके जा सके, जिसे वो कभी भी किसी पर डाले तो वो तुरंत जलने लग जाए एसिड की तरह। नंबर फोर, वाइकिंग्स मरे हुए लोगों को नाव में दफनाते थे। आज की परंपराओं से काफी अलग, इसमें कोई शक नहीं कि वाइकिंग्स अपने बोट्स को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इतना कि उसमें घुसना एक बहुत ही बड़ा ऑनर होता था। जब भी किसी की डेथ हो जाती या किसी बड़े फैमिली मेंबर की या किसी बड़े लोग की, तो उसे अच्छे से सजाकर बोट में रखते और उसकी बिलोंगिंग्स को भी बोट में रख देते और फाइनली बोट में आग लगा के उसे समुद्र में छोड़ देते। और कभी कभी अगर किसी बड़े पर्सन की मृत्यु होती है तो उसके लिए उसके स्लेव्स की सैक्रिफाइस भी दी जाती है और उन्हें भी बोट में रखकर जलाया जाता था। नंबर फाइव, वाइकिंग्स उस समय स्लेव ट्रेड में काफी ज्यादा एक्टिव थे। वो स्लेव ट्रेड डेफिनेटली करते थे और जैसे कि हमने सीरीज में देखा है कि वो स्लेव्स को रखते भी थे। बहुत से वाइकिंग्स का ये धंधा भी था, वो कहीं और से जाके स्लेव्स को लेके आते और अपने एरिया में आके बेचते। यूरोप और मिडिल ईस्ट में एक जाइंट स्लेव मार्केट भी हुआ करता था, जहाँ पे ये बहुत ही बड़ा बिजनेस था। नंबर सिक्स, वाइकिंग्स के वुमेन के लिए काफी अच्छे बेसिक राइट्स थे। जैसे कि हमने सीरीज में देखा, जब रैग्नर लॉडब्रुक ने सेकंड शादी की, उसके बाद लगार्था ने उन्हें छोड़ दिया और नई शादी कर ली, तो ये बेसिक राइट्स उस समय हुआ करते थे उनके पास कि जब तक वो एक यंग वुमेन है, वो प्रॉपर्टी ले सकती हैं, डाइवोर्स रिक्वेस्ट कर सकती हैं, और अगर उनकी डाइवोर्स हो जाती है तो वो डाउरी भी वापस ले सकती है जो उनके मैरिज के टाइम पर दी गई थी, जो कि उस समय के वुमेन्स के पास उतनी राइट्स नहीं थी जितनी कि वाइकिंग्स के वुमेन्स के पास थी, तो ये इनके लिए काफी फेवरेबल पार्ट था। नंबर सेवन, बहुत से लोग को लगता है कि वाइकिंग्स के जो लोग थे सिर्फ जंग लड़ने ही जाते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से वाइकिंग्स के जो मेन थे वो फार्मर्स थे, वो खेती करते थे और बहुत कम जंग लड़ते थे। नंबर एट, ये जान के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि वाइकिंग्स के लोगों को स्की करना आता था, और वो भी 6000 ईयर्स एगो। रशियंस ने शायद इसे बाद में इन्वेंट किया होगा, पर वाइकिंग्स उस समय बहुत पहले ही ये करते थे और इवन वो गॉड ऑफ स्कीइंग की पूजा भी करते थे, जिनका नाम था उलर। आई गेस ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। ओके, नंबर नाइन, वाइकिंग्स खुद को क्या बुलाते थे? जैसे कि मैंने कहा कि वाइकिंग्स खुद को वाइकिंग्स नहीं बुलाते थे, वो बेसिकली खुद को नॉर्समैन कहते थे या नॉर्थमैन, जो कि उस समय एक जगह था स्कैंडिनेवियन, वहां पे रहते थे और वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप का हिस्सा नहीं थे और ना ही ट्राइब थे। नंबर टेन, वाइकिंग्स अपाहिज बच्चों को अबैंडन भी करते थे। जैसे कि हमने रैग्नर लॉथब्रुक को देखा था कि जब उनका बेटा आइवर हुआ था जो कि बोनलेस था, तो रैग्नर उसे अबैंडन कर रहा था और ऐसा करना नॉर्मल था उनके लिए, क्योंकि वाइकिंग्स के लोगों के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मायने रखती थी। वो किसी बच्चे को अबैंडन कैसे करते थे, या तो वो उसे कहीं जंगल में अकेले छोड़ देते या तो फिर वो उसे नदी में छोड़ देते। आई नो ये थोड़ा क्रूएल था उस समय, पर उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्हें पता था कि ये आगे जाके ठीक नहीं हो सकता और अच्छी लाइफ के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। नंबर 11, वो एक एक्सलेंट बोट मेकर्स थे। क्योंकि उन्हें बोट से बहुत ज्यादा प्यार था तो वो बोट भी बहुत ज्यादा अच्छी बनाते थे, जैसे कि हमने सीरीज में देखा लोकी को जो कि एक बोट मेकर था, और ऐसे ही वाइकिंग्स भी हुआ करते थे और ज्यादातर वो लॉन्ग बोट्स का इस्तेमाल करते थे ताकि उसमें कम से कम 60 वाइकिंग्स बैठ सके। That's it for today guys, thank you so much for watching till back. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। We'll be right back.